सर्विलांस साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी मिली है। इन टीमों ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो क्विकर से डेटा लेकर बेरोजगार युवक और युवतियों को नौकरी का लालच देकर अपना निशाना बनाते थे। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से ऑनलाइन ठगी करने वाला एक गिरोह जनपद में सक्रिय था, जिसने कई बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रूपये की ठगी की थी। इस खुलासे के लिए साइबर सेल की टीम के साथ स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और उरई कोतवाली पुलिस को लगाया गया था। इन चारों टीमों ने संयुक्त रूप से इस गिरोह को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनके पास से 9 डेस्कटॉप, 7 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 70,000 से ज्यादा की नकदी के साथ ही कई एटीएम कार्ड और बैंक की पासबुक मिली है। साइबर और एसओजी की टीम लगी हुई थी। विभिन्न इनपुट से जानकारी मिल रही थी कि कुछ शहर में कुछ लोगों ने किराए पर कॉल सेंटर टाइप बना रखा है और वहाँ से लोगों को कॉल करके और उनसे पैसे की ठगी करते हैं, जो दूर दराज के जनपद उत्तर प्रदेश के हैं। उसी में टीम लगी हुई थी और इन्होंने एक गैंग को पकड़ा है। इसमें 4 सदस्य हैं, एक लड़का बागपत का रहने वाला है, 3 यहीं के रहने वाले हैं। ये 6-6, 7-7 हज़ार की नौकरी पर रख के लड़कियों को, जालौन की लड़कियों को रख के और उनसे फ़ोन करवा के, जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, उन्हें फ़ोन करा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर, बॉन्ड भराने के नाम पर और नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे ठगी करते हैं।